ATP, adenosine triphosphate, contain a chain of three phosphate known as alpha phosphate, beta phosphate and gamma phosphate. यहाँ देखें, ये आपको ATP का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. ये एडिनिन नाइट्रोजीनियस बेस है, उसके साथ फाइव कार्बन शुगर अटैच किया, ये एडिनोसाइन. जब हम पहला फास्फेट अटैच करते हैं एडिनोसाइन मोनोफास्फेट बनता है, सेकेंड अटैच करते हैं एडिनोसाइन डाइफास्फेट, और थर्ड जब अटैच करते हैं तो एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट. तो राइबोस शुगर के बिल्कुल जो क्लोज पहला वाला फास्फेट ग्रुप है इसको हम बढ़ाते हैं अल्फा फास्फेट, जो सेकेंड है वो बीटा फास्फेट, और जो थर्ड है गामा फास्फेट. अब अक्सर स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं इन वेवी लाइंस के, जो ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं सेकेंड और थर्ड फास्फेट ग्रुप के बीच में आपको रेड कलर में वेवी लाइंस नजर आ रही हैं, तो स्टूडेंट्स मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि ये वेवी लाइंस किस चीज को इंडिकेट करते हैं. ये वेवी लाइंस जो है वो फास्फेट बॉन्ड्स की एनर्जी को शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपको जो दो वेवी लाइंस नजर आ रही हैं सेकेंड और थर्ड ग्रुप के बीच में, द वेवी लाइंस आर द हाई एनर्जी बॉन्ड्स. और जब देखें यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है. व्हेन ब्रोकन ईच बॉन्ड रिलीजेस एनर्जी फॉर द यूज ऑफ सेल. ये वेवी लाइंस हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, और जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो इनसे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी किसी दूसरे रिएक्शन में सेल यूज करता है. फॉर एग्जाम्पल मे बी वो प्रोटीन सिंथेसिस में इसको यूज करे या किसी और फंक्शन में सेल उसको यूज करे. अच्छा, तो ये पहला बॉन्ड, ये सेकेंड और ये थर्ड बॉन्ड. तो जो पहले दो बॉन्ड है अल्फा और बीटा, उसके बारे में देखिए, थ्री फास्फेट ग्रुप्स विथ टू, ये पहला और सेकेंड विथ टू हाई एनर्जी बॉन्ड्स. अच्छा, हाई एनर्जी बॉन्ड, सॉरी, ये टू वेवी लाइंस के, जो टू वेवी लाइंस नजर आ रही हैं विथ टू हाई एनर्जी बॉन्ड्स. याद रखिएगा एटीपी में तीन बॉन्ड्स हैं, एक फास्फो ईस्टर बॉन्ड और दो फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड. तो ये जो बॉन्ड है फास्फो ईस्टर बॉन्ड, उसके बाद ये जो दो बॉन्ड आ रहे हैं, थ्री में से दो फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है, टू विथ हाई एनर्जी बॉन्ड्स. जिस जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स है उनको हमने वेवी लाइन से रिप्रेजेंट किया है. तो हाइड्रोलाइसिस के लिए, हाइड्रोलाइसिस के लिए ज्यादा एनर्जी सेकेंड बॉन्ड में होगी या थर्ड में. द लास्ट फास्फेट ग्रुप PO4 कंटेन्स द मोस्ट एनर्जी. अब ये जो बिल्कुल लास्ट वाला बॉन्ड है, जैसे आपको एनिमेशन में नजर आ रहा है, व्हेन दिस बॉन्ड इज ब्रोकन एनर्जी इज रिलीज्ड. तो तीसरे बॉन्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है हाइड्रोलाइसिस के लिए. मैंने क्या कहा कि तीसरे बॉन्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके हाइड्रोलाइसिस के लिए. लुक एट सी, ये सी, तीन बॉन्ड है अल्फा बीटा गामा. अल्फा सबसे करीब है राइबोस के और गामा सबसे दूर है. गामा फास्फेट लोकेटेड द फार्देस्ट फ्रॉम द राइबोस शुगर. सबसे ज्यादा दूर गामा बॉन्ड है एंड इट हैज हायर एनर्जी फॉर हाइड्रोलाइसिस देन आइदर द अल्फा और बीटा बॉन्ड. अब क्या है कि ये जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है हाई एनर्जी बॉन्ड, दिस इज वेरी मिसलीडिंग. स्टूडेंट्स को ये माइंड में आता है कि ये जो बॉन्ड्स हैं इनमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है. जब एक एटीपी का बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें से 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होती है. दैट इज नॉट बिग एनर्जी, नॉट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्या होता है कि जब बॉन्ड बनते हैं तो उनमें एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए. तो यहां पे जो हाई एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो बॉन्ड को बनाने के लिए या उसको तोड़ने के लिए, हाइड्रोलाइसिस की माने ब्रेकिंग है. तो ये जो लास्ट वाला बॉन्ड है जिसको हम फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड भी पढ़ाते हैं, तो इसको ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है. यहां पे आप देखें ये नहीं लिखा हुआ कि इसमें ज्यादा एनर्जी है, क्या लिखा हुआ है, हैज हायर एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस.
इसके हाइड्रोलाइसिस के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। अच्छा, एटीपी इज करेंसी यूज्ड इन सेल्स, एनर्जी करेंसी। एटीपी को हम बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी पढ़ाते हैं। जैसे आप केश का एग्जांपल ले लें, केश के नोड्स का, द केश नोड्स आर मूविंग फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर पॉकेट, वन एंड टू अनदर एंड। जब एटीपी के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उसकी एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे, या फिर वो ब्रेक होगा तो उससे दूसरे मॉलिक्यूल में चली जाएगी। सो एटीपी इज यूज्ड एज एनर्जी करेंसी इन सेल्स। और जब एक एटीपी का बॉन्ड ब्रेक होता है तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है? ब्रेकिंग वन फॉस्फोएनिलाइड बॉन्ड रिलीजेस 7.3 किलो कैलोरीज मोर ऑफ एनर्जी। तो ये जो दो बॉन्ड है, ये फॉस्फोएनिलाइड बॉन्ड है। पहला फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, इसमें हाई एनर्जी फॉर हाइड्रोलाइसिस होती है। तो ये कॉन्सेप्ट मत लीजिएगा कि ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। नो डाउट दे हैव एनर्जी, इनमें एनर्जी है, और जब ये ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी हाइड्रोलाइसिस के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, वो थर्ड फॉस्फेट के लिए चाहिए। होपफुली दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू।